हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश में, ठीक है, जो आपका क्लास 10 इंग्लिश का पेपर है, आप लोगों को इंग्लिश का पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है और आप लोगों को इंग्लिश के पेपर में 70 में 70 नंबर लाना है, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश में काफी समय मिला है, ठीक है। अगर आप लोग 70 में 70 करके आओगे तो 65 नंबर तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लाइक एज आपका जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है सबसे पहले हम लोग वो पढ़ाएंगे। आपकी बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा ना, तो ये जो सेंट्रल आइडिया का टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, 100% नहीं, 110% गारंटी के साथ, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा, साथ में आपका पोयम भी क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ना, पेपर में 100% आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन सब को बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छे से पता होता है, ठीक है। तो देखो, आप लोगों को जो सेंट्रल आइडिया बताऊंगा वो तैयार कर लेना, और मैं आप लोगों को सेंट्रल आइडिया को अच्छे से सिखाऊंगा भी कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। तो मैं आपको पहला मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया सबसे पहले बताता हूं। जो फर्स्ट नंबर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है वो है डस्ट ऑफ विष्णु। जो डस्ट ऑफ विष्णु सेंट्रल आइडिया है उसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। डस्ट ऑफ विष्णु जो आप लोगों का चैप्टर है उसका सेंट्रल आइडिया आपको जरूर तैयार करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में छप चुका है और आपको इसका लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको जो सेंट्रल आइडिया बताऊंगा वो तैयार कर लेना। सेंट्रल आइडिया का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया का कोई टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। फिर हम लोग आपके लॉन्ग क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन एंड आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, आपके ग्रामर हैं, वो सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेंट्रल आइडिया, जो इंग्लिश के पहले चैप्टर का है, पोएट्री का, जो हमारा डस्ट ऑफ विष्णु चैप्टर है, जिसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हम लोग सेंट्रल आइडिया क्या होता है, सेंट्रल आइडिया जो होता है वो केंद्रीय बिंदु होता है। पूरे चैप्टर में आपका जो केंद्रीय बिंदु है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होता है, लिखना होता है, ठीक है। जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, अब उसको अपनी भाषा में लिखो, और अपनी भाषा में लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। आप बुक की भाषा मत छापो। जैसे मैंने ये जो लिखा है अपनी भाषा में लिखा है, अभी आपको इतना सिंपल समझ में आएगा ना कि आप कहोगे सर बहुत इजी है, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा तब। तो सेंट्रल आइडिया में आपका चैप्टर का नाम तो वहां लिखा ही रहेगा, बस आपको उसका पोएट का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो सेंट्रल आइडिया बताऊंगा उसका पोएट का भी नाम बताऊंगा, और आपका पोएट का नाम भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं। सेंट्रल आइडिया देखो, सबसे पहले हम लोग डस्ट ऑफ विष्णु सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे। देखो लिखा हुआ था पोयम डस्ट ऑफ विष्णु, जो ये हमारा पोयम है डस्ट ऑफ विष्णु। अब यहां आपने एक बात नोटिस किया होगा कि सर ने इसको ब्लैक से लिखा है। डस्ट ऑफ विष्णु जो चैप्टर का नाम है उसको ब्लैक से लिखा है, क्यों? क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट है आपकी सेंट्रल आइडिया का, सबसे मेन पॉइंट है, तो आपको उसको ब्लैक से ही लिखना है। जो आपका चैप्टर का नाम है और जो उसके कंपोजर हैं या फिर उसके जो पोएट है उसको ब्लैक से ही लिखना है, ठीक है। द पोयम डस्ट ऑफ विष्णु इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो पोयम है कंपोज्ड किया गया है, रचा गया है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है कि द पोयम डस्ट ऑफ विष्णु इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। समझ में आया इतना चीज? ये आपको हर एक पोयम में, हर एक जो पोयम है उसकी सेंट्रल आइडिया में लिखना है। चाहे आपका है द पोयम जो आपका है फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्योंकि उसके भी राइटर हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं, ठीक है। तो ये हमारा लिख देना है। फिर देखो आपको जो इस पोयम में आपको पता है वो लिखो। जैसे इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट वांट्स, जो पोएट है वो वांट्स मतलब चाहता है, टू कॉन्वे दैट सम टाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स ऑफ एक्शन व्हिच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। कहने का मतलब है द पोएट जो है वांट्स मतलब चाहता है, टू कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब क्या होता है, बताना चाहता है, क्या, दैट सम टाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स, जो सम टाइम होता है, कुछ टाइम होता है, जो सर्टेन सर्टेन मूवमेंट्स ऑफ एक्शन, जो हमारे सर्टेन मूवमेंट्स होते हैं या फिर एक्शंस होते हैं, ठीक है, वो आपका व्हिच आर सिंपल, वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, मतलब दिखने में आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा, लेकिन हैव ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका आपके लाइफ में बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। उसका जो है आपके मतलब पूरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, लार्जर सिग्निफिकेंस मतलब बहुत बड़ा महत्व,
ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको दिखेंगी सिंपल, जो चीज आपको बहुत सिंपल दिखाई देगी लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे में यह कहा गया है कि द पोएट पोयम डैश ऑफ इश्नोस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इन दिस पोयम द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स, ठीक है, ऑफ एक्शंस, जो मूवमेंट्स हैं, क्षण हैं या एक्शंस हैं, व्हिच आर सिंपल, वो लगते तो सिंपल हैं बट क्या है, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे पोएट ने क्या बताना चाहा, देखो ध्यान से समझना, देखो कि जैसे दे जैसे यहां दे कैन चेंज द मूड, जो वो छोटी छोटी मूवमेंट हैं वो दे कैन चेंज, वो चेंज कर सकती हैं द मूड, मूड और द लाइफ ऑफ ए पर्सन, जो एक व्यक्ति का लाइफ चेंज कर सकता है, मूड चेंज कर सकता है, क्या वो सिंपल सिंपल जो मूवमेंट्स हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों को सीखोगे ना, डेली आप सीखते जाओगे तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपसे आगे कोई नहीं रह जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि डायरेक्टली हम क्या करें, बहुत बड़ा आदमी बन जाए। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से सीखो, जितना सीख पाओ उतना सीखो, क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं है और कोई ऐसा नहीं है जो सब कुछ सीख गया हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे इस पोएम में फिर आपको आगे देखना है सेंट्रल आइडिया में, द वे ए क्रो सूक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। तो एक कौवा जो है वो सूक डाउन ऑन डस्ट, जो डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ के छोटे छोटे कण है, जैसे वो पोएट के ऊपर गिराता है। ठीक है, जब एक कौवा है धतूरे के वृक्ष पर बैठता है तो क्या होता है कि जो हमारा कवि है उसके ऊपर छोटे छोटे बर्फ के कण गिराते हैं। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, तो इससे जो पोएट है, द पोएट इंस्पायर एंड गेव हिम द आइडियाज, ठीक है, टू सेक ऑफ हिज डिस्प्राइज्ड थॉट। मतलब जो पोएट है वो इंस्पायर होता है, प्रभावित होता है, वो ठंडे ठंडे जब बर्फ के कण उनके ऊपर गिरते हैं तो वो पोएट बहुत ज्यादा उदास था, पहले जो वो था बहुत ज्यादा उदास था। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, चैप्टर में सब कुछ है। तो पोएट बहुत ज्यादा उदास था, तो वो एक वृक्ष के नीचे से गुजर रहा था, तो क्या हुआ कि बर्फ के छोटे छोटे कण गिरे, तो पोएट इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ, इतना ज्यादा प्रभावित हुआ ना, कि उसका जो मतलब बिल्कुल खराब समय था वो इतना ज्यादा खुश हो गया, उसका जो है मतलब अच्छा समय हो गया। जैसे इंस्पायर एंड गिव्स हिम द आइडिया सेक ऑफ हिज डिस्प्राइज्ड थॉट, जो वो था वो बहुत ही ज्यादा डिस्प्रेशन में था, मतलब बहुत ही मतलब वो व्याकुल था, लेकिन वीकम चेयरफुल, जब ये हुआ, जब ये घटना हुई, तो वीकम चेयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसका जो समय बचा हुआ था, दिन का जो बचा वह हिस्सा है ना, वो यूजफुल मतलब कहीं अच्छी जगह पर बिताया, ताकि वो यूजफुल हो सके। ठीक है, समझ में आ गया, एक एक लाइन का, एक एक वर्ड्स का मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, अब इससे ज्यादा क्या ही समझोगे दोस्त। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेंट्रल आइडिया, हमारा डस्ट ऑफ स्नो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पहला सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया ना, तो लाइक करते रहो, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय है, मैं आपको पूरी सारी चीजें पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेंट्रल आइडिया है। दूसरा सेंट्रल आइडिया माय डियर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा नंबर सेंट्रल आइडिया, आ जाओ इसको भी समझते हैं। जैसे फायर एंड आइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। देखो लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया में जैसे जो हमारा द पोएम, जो पोएम है फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये जो पोएम है ये कंपोज्ड किया गया है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम कंपोज्ड किया गया है, मतलब लिखा गया है। ठीक है, ये जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। तो द पोएट इक्वेट्स, मतलब इक्वल दिखाता है, इक्वेट्स का मतलब बराबर दिखाता है, किसके, फायर जो है वो विद डिजायर के, फायर जो है वो इच्छा से, मतलब इच्छा से कंपेयर करता है, इच्छा के बराबर बताता है, जो फायर है उसकी तुलना जो है वो इच्छा से करता है। एंड आइस विथ हेटर्ड, और आइस की तुलना घृणा से, हेटर्ड का मतलब होता है घृणा। ठीक है, तो यहां क्या है कि पोएट्स, देखो ध्यान से समझना, एक एक चीज को उल्टा मत कर देना, फायर का आप हेड कर दो और आइस का डिजायर कर दो, नहीं ये बात मत करना। ठीक है, देखो यहां जो है वो तो कंपोस्ट किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, सेम ही है, चाहे आपका पहला चैप्टर के रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, दूसरे चैप्टर के भी, तो यहां से आपका एक तीर से दो निशाना हो गया ना, यहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो आपको याद ही रहेगा भाई, किसी एक का याद है दोनों याद रहेगा। अब मेन चीज यह है कि द पोएट इक्वेट्स, मतलब बराबर दिखाता है किसको, फायर का जो है तुलना डिजायर से किया गया, जो फायर है उसकी तुलना जो है किससे किया गया है, डिजायर से किया गया। ठीक है, एंड आइस विथ हेटर्ड, और आइस की तुलना घृणा से किया गया, हेटर्ड से किया गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो जो घृणा है और जो ये इच्छा है, जो आदमी की इच्छा है वो लगातार बढ़ती जा रही है,
पहले उसके पास कुछ नहीं था, आज सब कुछ है, फिर भी उसकी इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जो हेटर्ड है, घृणा है, एक दूसरे से घृणा करना, हेट करना, वो भी आजकल बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ बोथ मतलब दोनों ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ इनोरियस स्पीड, तो ये जो दोनों है इसका मतलब होता है तीव्रता, बड़ी तीव्रता से बढ़ रही है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो घृणा है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, साथ में जो इच्छा है वो भी बहुत तेजी से ही बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। एक दूसरे से लोग बहुत ज्यादा घृणा कर रहे हैं, ए और इच्छा तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप देखेंगे इच्छा एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तो इफ वी डोंट चेक, अगर हमने इस चीज को चेक नहीं किया ना, मतलब चेक करने का मतलब है कि चेक करना कि भाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, जैसे आप लोग सब चीजें चेक करते हो, तो देम ग्रोइंग मतलब अगर हमने ये चेक नहीं किया तो ये इतना ज्यादा ग्रो होगा कि द वर्ल्ड्स विल पेरिश, तो जो ये वर्ल्ड है ये इन दोनों चीजों से बर्बाद हो जाएगा, पेरिश मतलब नष्ट हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा घृणा हो गया एक दूसरे से तो भाई प्यार कहाँ रहेगा, तो एक ये तो नष्ट ही हो जाएगा, साथ में अगर बहुत ज्यादा इच्छा रहेगा तो भी भाई बहुत ही ज्यादा गलत बात है, ज्यादा इच्छा लिमिट से ज्यादा अच्छा नहीं रहता, ठीक है, उतना ही रहो जितना अच्छा हो, तो ये संसार को नष्ट कर देगा। सो वी मस्ट रिटेन, सो हमें क्या करना चाहिए, रिटेन मतलब नियंत्रित रखना चाहिए आवर डिजायर, अपनी इच्छा को। सो हमें ये जरूरी है कि अपनी इच्छा को हमें जो हमारी डिजायर है उसको नियंत्रित रखना चाहिए, मतलब अपनी लिमिट में रखो, एंड लव एंड आवर फॉलोविंग्स, और हमारे जो फॉलोविंग्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनसे प्यार से मिलो, ठीक है, कोई भी घृणा ना हो, हेट ना हो, एक दूसरे से अच्छे से मिलो, ठीक है, अच्छे से रहो, साथ में रहो, काम करो, वर्क करो, ग्रो करो, ठीक है। तो ये है हमारा फायर एंड आइस का पूरे चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। भाई मेन है कि फायर की तुलना डिजायर से की गई है, आइस की तुलना जो है वो हेट से की गई है। जैसे देखो आइस क्या होता है, ठंडा होता है, हेट क्या होता है, गर्म होता है, तो आप वैसा भी यार याद कर सकते हो, आइस हेट, गर्म ठंडा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। और आपको जो दो सेंट्रल आइडिया, देखो लिखना आपको कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर डालना, जो भी क्वेश्चन नंबर में आए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3-4 जो भी आए, ठीक है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर डालना, जो भी आपका सेंट्रल आइडिया है, लाइक एज आपका डेस्कटॉप स्नो, फायर एंड आइस, कुछ भी है, मंडा, तो आप उसको लिख देना, मतलब एक हेडिंग डाल देना कि गाइज एग्जामिनर को, ठीक है, AMANDA अमंडा वाला सेंट्रल आइडिया मैंने डिस्कस किया है, बस हो गया, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसे आप लिखना, फिर आप अपना सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालना, CEN, ठीक है, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाल देना, और हेडिंग डालने के बाद आप लिखना शुरू करना, ब्लैक ब्लू पेन का यूज करना, स्किल की सहायता से, और स्किल की सहायता से मतलब लाइन खींचना और अच्छे से लिखना, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया, तीसरा नंबर जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, वो आपको तैयार करना अमंडा, ठीक है, अमंडा वाला चैप्टर भी तैयार करना। ये तीन सेंट्रल आइडिया अगर आपने तैयार कर लिया, भाई सेंट्रल आइडिया का जो आपका टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको लेना ही नहीं है कोई टेंशन, ठीक है। तो इसके जो है वो है रॉबिन केन, ठीक है, ये आप ऊपर लिख देना कि द पोएम जो अमंडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन केन, ठीक है, ये लिख देना। अभी मैंने डायरेक्टली सेंट्रल आइडिया पे डिस्कस किया है, डोंट वरी, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने यहां लिख रखा है। जैसे आप अमंडा हेडिंग डालना, तो इनका ऐसे राइटर का नाम लिख देना, तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर आपकी बातों को समझ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। देखो सेंट्रल आइडिया में क्या है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, जो ये इस चैप्टर का, इस पोयम का सेंट्रल आइडिया है ना, सेंट्रल आइडिया वो क्या है, रिवॉल्व्स अराउंड हाउ ए चाइल्ड, मतलब ये रिवॉल्व्स अराउंड, मतलब एक हाउ ए चाइल्ड, एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है, मतलब एक बच्चे के अराउंड में बताया गया कि एक बच्चा कैसे अपनी मम्मा से परेशान है, उसके बारे में बताया गया, ठीक है, छोटा सा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। देखो हाउ ए चाइल्ड इज कंटेंटसली नेग्ड बाई हर मदर, तो एक बच्चा जो है, एक चाइल्ड जो है, एक बच्ची है अमंडा, वो इज कंटेंटसली मतलब लगातार, लगातार नेग्ड मतलब
सताया जाना, सताया जाती है हर मदर अपनी माता की से। तो अपनी माता यानी कि उनकी माता उन्हें लगातार सताती हैं, कैसे? ऐसे नहीं, अच्छी अच्छी बातों को सिखाती हैं। जैसे द पोएट्रेस जो कवित्री हैं सैड्स लाइट्स उस पर प्रकाश डालती हैं कि ऑन हाउ ए चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चन्ड अबाउट हर एक्शन बाय हर मदर। तो उनकी माता जो है उनकी छोटी छोटी एक्शंस पर क्वेश्चंस करती हैं, ठीक है, और उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को भी बताती हैं, उनकी छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चंस करती हैं। तो ये बच्चे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात पे क्वेश्चंस करो, तो ये उस बच्ची को अच्छा नहीं लगता था। तो छोटा सा मैंने सेंट्रल आइडिया लिया, देयर फॉर अमंडा ड्रीम्स, तो इसलिए अमंडा ड्रीम्स मतलब सपन देखती हैं, टू गेट ऑलवेज, इससे बिल्कुल आज़ाद होने का और फ्रॉम हर ट्रबलर्स, जैसे एक अनाथ आश्रम के बच्चे रहते हैं वैसे रहने का, ठीक है। तो बस मैंने आपको ये भी बहुत छोटा सा सेंट्रल आइडिया बताया है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो आपको तीन सेंट्रल आइडिया तैयार करना है। फर्स्ट आपका है डस्ट ऑफ विष्णु, पोएम तो आपको पता है, कोई सा भी लिख सकते हो यार, जैसे आप लोगों का डस्ट ऑफ विष्णु का दो पोएम तैयार कर लो, बहुत है, ठीक है, जो आप लोगों का है द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ विष्णु फ्रॉम माय होम लिफ्टी, ठीक है बस। एंड ये दूसरा आपको तैयार करना है फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, और तीसरा आप लोगों को तैयार करना है अमंडा, इससे बाहर कुछ नहीं तैयार करना है। ये तीन सेंट्रल आइडिया फटाफट से तैयार कर लो, आपका सेंट्रल आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रुक पाएगा आपको सेंट्रल आइडिया में फुल मार्क्स लाने से, ठीक है। तो हम लोगों ने सेंट्रल आइडिया का टॉपिक्स तैयार कर लिया है, नोट करना है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, नोट कर लो दोस्त, क्योंकि टाइम है अभी आपके पास, इंग्लिश में काफी टाइम है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने का, तो ये आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर सकते हो, इसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं है। तो तीनों सेंट्रल आइडिया आपका तैयार हो गया। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सेंट्रल आइडिया बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दिया, और आप लोगों को सेंट्रल आइडिया में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से सेंट्रल आइडिया को समझा दिया। देखो सेंट्रल आइडिया बहुत आसान होते हैं, पोएम भी आपका तैयार हो गया, कोई एक पोएम आप लिख देना, ठीक है, डस्ट ऑफ विष्णु में दो पोएम है और दोनों तैयार कर लेना, फिर आप एक कोई बोर्ड एग्जाम में लिख देना। तो आज का ये वीडियो हमारा सेंट्रल आइडिया और पोएम पे था, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।